नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्योम न्यूज़ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका से आ रही एक खबर के बारे में, जिसमें अमेरिका ने हाल ही में कुछ हिंदू संगठनों को पैसे दिए। अब ये पैसे अमेरिका ने कितने दिए हैं और क्यों दिए हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेरिका में 5 हिंदू संगठनों को $8,33,000 की राशि कोरोना वायरस एड के रूप में दी जा रही है। इस राशि को अगर हम भारतीय रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो यह लगभग 6,10,58,000 रुपये की बनती है। इस राशि को अमेरिका की SBA के द्वारा दिया जा रहा है, जिसका पूरा नाम स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर है। यह संस्था अमेरिकी सरकार के अंतर्गत काम करती है और इसका मुख्य कार्य छोटे व्यापारियों व उद्यमियों की सहायता करना है। इस संस्था के द्वारा 5 हिंदू संगठनों को यह राशि दी जा रही है, जिनके नाम कुछ इस प्रकार है। इस लिस्ट में पहला नाम है VHPA का। VHPA का पूरा नाम है विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका। इस संगठन को $1,71,430 दिए गए हैं, जिनका हम भारतीय रुपयों में अगर कन्वर्ट करते हैं तो इनकी राशि बनती है ₹1,25,65,000। इस लिस्ट में दूसरा नाम है एकल विद्यालय फाउंडेशन का, जिसे $7,000 यानी ₹5,13,000 दिए गए हैं और इन्हें PPP के तहत $64,400 का लोन भी दिया गया है। तीसरा नंबर है इन्फिनिटी फाउंडेशन का, जिन्हें $51,872 यानी ₹38,02,200 दिए गए हैं। इसके बाद है सेवा इंटरनेशनल, जिसे $1,50,621 यानी ₹1,10,40,500 दिए गए हैं। इस लिस्ट का आखिरी नाम है HAF का। HAF का पूरा नाम हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन है। इन्हें $10,000 यानी $7,33,000 दिए गए हैं और इन्हें $3,78,000 का PPP लोन भी दिया गया है। PPP का पूरा नाम है पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम। इसके अंतर्गत जिन्हें लोन दिया जाता है उन्हें 6 महीने तक सरकार को कोई भी ब्याज देने की जरूरत नहीं होती और 6 महीने के बाद फिर उन्हें 1% का ब्याज सरकार को देना होता है, यानी कि बहुत कम ब्याज दर पर यह लोन दिया जाता है। तो दोस्तों, यह थी वीडियो उस कोविड फंड पर जो अमेरिका ने दिया है कुछ हिंदू संगठनों को। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।